कब तक सिलसिला चलता रहेगा? नोटिफिकेशन तक नहीं मिलेगा। क्या नोटिफिकेशन? सबकी अपग्रेडेशन हो जाए, केडर का खात्मे का नोटिफिकेशन, अपग्रेडेशन और जो एडिशनल चार्ज पर है उनकी प्रमोशन, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट। कितनी तादाद है ये? 5,000 हमारी तादाद है जो रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए, अदरवाइज ये चलता रहे। अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं, अगर हम सर्व कर रहे हैं। आपसे किस किस ने रब्ता अभी तक किया? किसी ने नहीं रब्ता किया। पहले दिन डीजी ऑफिस में कोई डॉक्टर्स थे, इनके कोई नुमाइंदे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन मुतालबात है, हम सारे तस्लीम करते हैं, हम मिनिस्टर साहिबा के पास जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं, हम अब आपको अभी वो नोटिफिकेशन दे देते हैं। जब मिनिस्टर साहिबा तक बात गई तो उन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ इनसे, ये मिडिल का क्लास लोग, मैं इनसे ब्लैकमेल हो जाऊँगी, अभी ये जाएँ 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन दूँगे। यानी सिर्फ झूठी अना के वजह से, अगर हो सकता है वो सच बोल रही हो, मैं मान लेती कि वो सच बोल रही हैं। जो 15 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा सारा कुछ हो गया। अच्छा, आपने फिर सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बयान नहीं कर सकती है? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और उन्होंने कहा तो इसमें कुछ और कहा? तो जाहिर है गलत बयानी पे स्टैंप लग गई है ना, तो अब तो हम इनके अल्फाज पे यकीन नहीं कर सकते। क्या इनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है जबानी तौर पर हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन भी थी, वो 24 घंटे में हो गया, रातों रात हो गया, वो हमारे खून पसीने कमाई थी। बुजदार साहब को घर मिल गया था हयात, जिस दिन घर मिला हम बेघर हो गए, हमारे बच्चे रुल गए, हमारे बच्चों के पेपर्स हैं, छोटे बच्चों को हम साथ लेकर आए हुए हैं, बुजदार साहब को नींद आ जाती है। आप ये आप डेरा असम्बली के हाथे के अंदर लगाते, शाहरा खुल जाती, वो ज्यादा बेहतर जगह थी क्योंकि उधर लेजिस्लेटर्स बैठते हैं और तो, ज्यादा अलामती तो, हो जाता। अभी तो कोई नहीं उनकी कोई इजलास हो रहा ना, अभी तो जो तनख्वाहें बाहर वाला जो आता है इनका पूरा ग्राउंड है, अभी तो जो तनख्वाहें बड़ी हैं वो उसकी शॉपिंग करने के लिए। आपको आपको सहूलत देना देने से मुराद सिक्योरिटी देना भी बड़ा आसान हो जाता उधर, क्योंकि वो गार्डन है। तो रात को ये दी है कि जब आंधी और तूफान आया है ना तो पुलिस ने ये ट्रैफिक खोल दिया है और हमारे दाएं बाएं बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां गुजरती रही हैं और लाठियां उठा के चक्कर लगाते रहे। अबा ये आफ्टर ऑल तो सड़क है ना? नहीं सड़क है तो फिर अब बताएं कि हम क्या करें। ये तो वजीरे आला चांद पर है, कौम की बेटी सड़कों पर। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। सड़क पर हमें इन्होंने पहुंचाया, सड़कों पर इन्होंने पहुंचाया। हम बाइज्जत खवातीन हैं, हम भी उतनी मुअज्जिज़ हैं जितनी आपकी घरों की खवातीन, जितनी बुज़दार साहब की, बेशक बेशक बेशक, जितनी यास्मीन राशिद मुअज्जिज़ हैं, जितनी बाकी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस मुअज्जिज़ हैं, हम भी उतने मुअज्जिज़ हैं। हमने इनके बच्चों को वैक्सीनेट किया है, हमने इनके बच्चों को माजूर होने से बचाया है, हमने बच्चों को वैक्सीनेट किया। आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और फौजी हैं। हमने तमाम फौजियों को, तमाम पायलट्स को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम इंजीनियर्स को इन बच्चों ने वैक्सीनेट किया है और आपको भी किया होगा। ये सिला है, पोलियो ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से, डेंगू ख़त्म कर दिया, तो इसलिए हम दहशतगर्द हैं। इसलिए पुरमन लोग हैं, आप अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन कानून के जाब्ते की पासदारी करना भी तो आपके फर्ज है। नहीं कहता कि 25 साल के बाद इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो, बेशक नहीं कहता, लेकिन कानून ये भी नहीं कहता कि दफा 144 पे आप बैठ जाएं। कानून ये नहीं कहता कि 8 घंटे ड्यूटी ले जाए, 24 घंटे ना ली जाए। कानून ये भी नहीं कहता कि हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद हो और आप मारो ब्लॉक करें। इस्लाम ये नहीं कहता कि मजदूर को उसको पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दी। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि मखलूक खुदा का रास्ता रोका जाए। इस्लाम ये नहीं कहता कि उमर फारूक जिम्मेदार होगा अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा सोए। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आपको लेसन हासिल है कि आप 2 करोड़ आबादी के शहर के लोगों की नींदें आराम करें ट्रैफिक की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं किया था कि अगर उनकी तनख्वाह में उनका घर नहीं चलता था जो मजदूर की तनख्वाह के बराबर थी, तो उन्होंने मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया था, उसके बाद अपनी तनख्वाह में इजाफा। उन्होंने मजदूर लेके रस्ते में बैठ के किसी का रास्ता भी ब्लॉक नहीं किया था? नहीं, वो नौबत नहीं आई थी क्योंकि वो इस्लाम के रास्ते पर चलते थे, वो नौबत नहीं आई थी। ये बात करते हैं मदीना की रियासत की और बनते फिर कौन है जी आप? ये मदीने की रियासत वाला बनाए ना माशरा इधर, कहना तो बहुत आसान, बहुत मुश्किल है। ये हमारे जो हुक्मरान है वो कह बोल सकते हैं। आप मदीने की रियासत को मॉडल बनाते हुए रास्ता छोड़ें, लोगों का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ, हम छोड़ देंगे। हमारे राइट्स से आप एक मिनट, बड़ी लुत्फ वाली बात है। देखें, मैं आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, और आप जो बात कर रही हैं वो आप कर रही हैं सबके सामने। इसका मतलब है कि हम एक्स पार्टी हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके हकूक सलब अगर हो रहे हैं
तो इसकी कसूरवार आवाम तो नहीं होने चाहिए। हम आवाम नहीं है, आपको क्या कहा है? हम तो बिल्कुल हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाम है तो आवाम को तकलीफ दें। ये कल्चर तो इन्होंने फरोग दिया है कि आप धरना देके इख्तदार में भी आ सकते। अच्छा, वो कल्चर ठीक नहीं था, आप क्यों गलत चीज की तकलीफ कर रही है? फिर सही चीज करने के लिए भी तो ऑप्शन नहीं है ना। जो लोग कब्रों में चले गए और हम भी चले जाएंगे तो हम अपने बच्चों को बेजारों मददगार छोड़ के चले जाए। इनके बच्चे भी बाहर, इनकी जायदादे भी बाहर, इतने खानदान, इतने आपक बात सुने आप, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है हार जाएं, दो ही सूरतें हैं, दो ही सूरतें। मेरी बात सुने, अब मेरा सवाल सुन लें। फर्ज कर लें कि आप जीत जाती हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी हार जाती है। मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी रिस्क है, ये सारे के सारे खानदान, हजारों खानदानों को आप रिस्क पे ले जाएंगी। आप स्ट्रेटजी चेंज भी कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी गलत है। लाहौर मारोड पे आपा दफा 144 है, ये अलार्मिंग हो जाएगा आपके लिए, खतरा हो जाएगा। मेरी बात सुने, अगर ये सिक्योरिटी देना इनका फर्ज है, ये हमें सिक्योरिटी दे। अगर सिर्फ थोड़ी सी रोड डाइवर्ट पर लगने से इतनी कियामत नहीं आ गई, पूरा लाहौर चौक हो जाता है, यहाँ ट्रैफिक का मसाइल, हमारी जिंदगी इन्होंने। लाहौरियों का क्या कसूर है? हम खलके खुदा का क्या कसूर है? लाहौरी पाकिस्तानी है आपा, खलके खुदा का क्या कसूर? लाहौरी पाकिस्तानी है। आप सीएम हाउस के सामने जाके धरना देते समझ आती है? नहीं है आपा, सीएम हाउस के सामने चले जाए। लेकिन रोड बड़ा है तो हुक्मरानों ने नहीं ठीक करना आपा। मैं कह रहा हूँ इसकी कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आप करवा रहे हैं लोगों को तकलीफ देंगे उस कीमत पे, वो ठीक है। मेरा मैं नोटिफिकेशन देके भेज दे। जो यहाँ जिस जगह आप पापा बैठे हैं, हम तो मजलूम आपा, इस इधर इधर मी हॉस्पिटल करीब है आपा, इधर से लोगों ने जिना जाना होता है, सारे टीचिंग हॉस्पिटल है, मेन सारे मेन हॉस्पिटल है, ये हब है। आप रीढ़ की हड्डी को काबिज होके बैठे हैं, खुला है वो रास्ता, खुला है। नेशनल प्रोग्राम को हेल्थ डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है? नेशनल प्रोग्राम को हेल्थ डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को तो उन्होंने खुद इतना मजबूर किया है कि यहाँ पे आने पे जो है, जो मजबूर किया हुआ है, हम मजबूरी से यहाँ आए, हम खुशी से नहीं आए। लेकिन आपको मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, वो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो सुन ले आप, सुन ले वो ये आपा कि हो सकता है जीत आपका मुकद्दर हो, अल्लाह करे, लेकिन मुमकिन है आपकी स्ट्रेटजी की वजह से ये लोग खतरे में पड़ जाएं। जब आधी रात को जो ना डिलीवरी लेके जाती है और रिक्शे में और जंगल में, तो उस वक्त आप लोगों को नजर नहीं आता? बस स्टेट के साथ लड़ना खतरा ज्यादा है। हम स्टेट के साथ नहीं लड़ रहे, हमें अपना हक चाहिए, हम लड़ नहीं रहे। हम तो मजलूम निहत्ते लोग हैं, हमारे पास हथियार है, हमारे पास एटम बम नहीं है, एटम बम इनके पास है, हमारे पास एटम बम नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपील है, रिक्वेस्ट है। और मैं इमरान खान साहब से अपील करना चाहूंगी कि ये सिर्फ इंडिया के जो मोदी हैं उनसे ही ना करें लड़ाई। ये जो इनकी पार्टी के अंदर जो इस तरह के दिमाग और सोच रखने वाले लोग हैं, जो अपनी आवाम को कुछ नहीं समझते, हकीर समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं, हमारे ही वोटों से इख्तदार में पहुंचे। हमने वोट भी दिए थे और सपोर्ट भी किया था। हमें बहुत तकलीफ है कि जिस सियासी जमात को हमने सपोर्ट किया था और वोट दिए थे, उन्होंने हमें इस हाल तक पहुँचाया। इख्तदार में आते ही पहला खंजर उन्होंने हमारी पुश्त में वार किया। 25 साल हमने पीटीआई के लिए काम किया। उनको पैगाम दे दे कि वो हमारी माँ बने, हमारी बहन बने, हमारे पास आप रखे बीबी बुशरा को, वो बीबी बुशरा से हम बहुत तवक्कात रखते हैं कि वो खतून अव्वल बनी, हमारे सर पे हाथ रखें और हमारा सर्वत सेक्टर बनाएं और हमारी पेंशन दें। हमारा ख्याल वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हर दौर में उन्होंने किसी ना किसी का साथ दिया। ये हमारा एक दे दे, ये 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, अगर ये काम करते तो समझो उन्होंने 50,000 खानदानों को रिजक में दे दिया। आपा मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने पिछली दफा धरना दिया था तो पीटीआई की खवातीन आपके धरने में शरीक होने आती थी। मैडम यास्मीन राशिद साहिबा आई नहीं, और भी वो मेरा ख्याल और भी बहुत सारी खातिन आई थी और ये सारे लोग आए थे ना। बिल्कुल सही बात, उन्होंने कहा इमरान खान के दौर में आपको धरना नहीं देना पड़ेगा, आप हमें वोट दें, आप सपोर्ट करें, आपके सारे मसले हम करेंगे। और मैडम यास्मीन राशिद साहब ने तो ये फरमाया था, मैं आपकी माँ हूँ और जब आप इमरान खान को कामयाब कराएं आपको धरने नहीं देने पड़ेंगे। अब वो सुतेली माँ बन गई हैं। अच्छा आप मुझे अब ये बताइए कि मुज़ाकरात की टेबल के दरवाजे तो आपके हमेशा खुले होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऑफर करेगा तो आप मुज़ाकरात फिर करेंगे? जारी बात है, हम बिल्कुल, हमें मुज़ाकरात का तो भी मतलब दरवाजे तो जरूर खुले हैं, लेकिन नोटिफिकेशन दें मुज़ाकरात का क्या करना है उन्होंने। नहीं, आप डेडलॉक तो आ जाएगा इस तरह? नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। जब उन्होंने 15 दिन का कहा, इसका मतलब है कि वो ऑल इन ऑल है, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन निकालना है, उसमें क्या मसला है? ना कोई फाइनेंस का मसला है, ना कोई पंजाब असेंबली से कोई अप्रूवल लेनी है, ना कोई कैबिनेट से लेनी है। सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकालना है, उसमें क्या मसला है? ये लोग बात करते हैं कि वज़ीर आला ने जब हमें रेगुलराइजेशन की समरी पे साइन किए थे उसमें डाइंग केडर लिखा था।
लेकिन आज भी वो समरी निकलवा के देख लें कि वजीर आला की अप्रूव्ड समरी में डाइंग केडर नहीं है। बाद में सेक्रेटरी अली जान ने हमारे ऑर्डर्स पर डाइंग केडर लिखवाया, यानी वजीर आला के समरी में भी अमेंडमेंट सेक्रेटरी कर सकता है। तो आज सेक्रेटरी अपने ऑर्डर में अमेंडमेंट करके ये डाइंग केडर खत्म करके नोटिफिकेशन 5 मिनट में साइन करके, नहीं हमारी जब समरी पर साइन हो तो इनके हाथों पे फालिज पड़ जाता है, ये अपहाज हो जाते हैं। जब अपने साइन करने हो तो ये अपोजिशन भी और इक्तदार। एक चीज वैसे पिछली दफा और इसमें आप में एक तब्दीली भी आई है, वो ये आई है कि इस दफा आपका लिटरेचर जो आप सुनवा भी रही हैं वो ज्यादा आग लगाने वाला शदीद पहले भी और आपके लफ्ज भी शदीद हो गए था। और मैडम साहिबा ने तायीद की थी, यास्मीन राशिद साहिबा ने इसको तायीद की थी, हमारे धरने में बैठे थी, सारे यकजहती किया था और यही कहा था ना कि आइंदा इमरान खान के दौर में आपको धरना नहीं देना पड़ेगा। पोल्ट्री लाई थी स्पेशल, फीमेल्स आई थी आके, अब कहते हैं कि रियासत में दोहरा कानून नहीं चलेगा। ये दोहरा कानून किस लिए है? उनकी तनख्वाह तो रातों रात बढ़ गई, हमारे लिए दोहरा कानून हो गया। गरीब के लिए गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर होता तर होता जा रहा है, यही डायलॉग सुनते सुनते आज तक आए हैं और वही कानून फिर चल रहा है। आप आखिरी में आप बीबी यास्मीन के नाम पे पैगाम देना चाहें, क्या कहना चाहें? मैं उनसे एक मरतबा फिर अदब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम निहत्ती मजलूम खवातीन हैं, वो हमारी माँ हैं, वो हमारी बड़ी बहन है, वो हमारी वजीरे सेहत भी हैं, उनका एहतराम करते हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं, वो अपने दिल को कुशादा करें, आला जरफी का मुजाहरा करें, हमें नोटिफिकेशन दें ताकि हम घर को भी जा सकें, अपने बच्चों को भी संभाल सकें और अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर सकें। ये साउंड सिस्टम आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है मुझे, इसका मतलब है कि कोई लंबी तैयारी करके आप आए हैं? बिल्कुल, आपने यहाँ हमारे चूल्हे नहीं देखे, लड़कियाँ चावल बना रही हैं, चूल्हे लेके आए हैं, रजाइयाँ लेके आए हैं, चार चार पाँच पाँच सूट लेके आए हैं, पूरे पूरे गट्टू चावलों के, पूरे पूरे गट्टू आटे के, आपको नजर नहीं आए यहाँ पे? आप जाके वहाँ देखें, कवरेज दें, आप देखें, चेक करें। यहाँ हम आए, हम तो नहीं उठने वाले, हम तो इधर ही, नोटिफिकेशन के बगैर चाहे महीना बैठना पड़े। इमरान खान ने 1 महीना 2 महीना बैठा था तो हम 6 महीने बैठ सकते हैं। वो खान है तो मैं भी खान हूँ। चूल्हे जल रहे हैं, खाना बन है, आप भी खा के जाइएगा, आपको खिलाएंगे हम इंशाल्लाह। अब आपका बहुत शुक्रिया और देखें सूरत हाल किस तरफ जाती है। आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक करम करेगा, वो बहुत मेहरबान है अपनी मखलूक पर, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन 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 सबसे बढ़कर जो दुनिया में जीतती है चीज वो स्ट्रेटजी होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अल्लाह पाक ने हमारे दिमागों में ये डाला, अल्लाह पाक ने इस राह पर चलाया, अल्लाह पाक ने हमें जिस राह पर चलाया, जज्बात का जज्बात की इंतहा भी स्ट्रेटजी के बगैर अधूरी है। 50 साल की उम्र में जज्बात ऐसे नहीं होते कि आग लगा सकें, जज्बात मोबाइले ठंडे हो जाते हैं। अब हम जज्बाती नहीं रहे, हम पुख्ता उम्र औरतें हैं, आपके बराबर हमारे बच्चे हैं, हम अब जज्बाती नहीं रहे। आपकी पुख्ता उम्री जो है वो हुकूमत के लिए तो खतरा बनी हुई है, वो भी बालिग नजर और मुजाहरा करें, और हुकूमत का जो खतरा है वो आप दोनों को, हुकूमत को भी और आपको भी, अगर बंद गली में ले गया तो दोनों का नुकसान है। नहीं, हम बंद गली में नहीं जाएंगे, हमारा उनसे क्या मुकाबला है? मैं फिर दोहराऊंगी, हम तो बहुत छोटे मुलाजमीन हैं, उनका मनसब तो बहुत बड़ा है, ज़र्फ बड़ा कर लें। अगर हमें आप कह रहे हैं कि हम ख्याल नहीं कर रहे, अगर हम नहीं कर रहे तो कम से कम वही कर लें। आपको नहीं पता हमारे बच्चे घरों में जाके देखें जरा कैसे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ रोड पे आके बैठे हुए हैं, ये बूढ़ी माँ बैठी हुई है, इसको देखें, ये खाली हाथ जाएगी यहाँ से।